कल हमने शुरू की थी नूरी और फारूक की कहानी। ये जोड़ा इस भ्रम में था कि उनका प्रेम उन्हीं के द्वारा किए गए हिंसक जुर्म के दलदल में पनप सकता है। ये रोंगटे खड़े कर देने वाला अपराध था नूरी के सारे परिवार की निर्दयी हत्या। देखिए इस केस का दूसरा और आखिरी भाग। क्राइम पेट्रोल सतर्क। अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है फारूक, हमें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। नूरी थोड़े दिन और सब्र करो। मैं अब और सब्र नहीं कर सकती। और क्यों रुकना है जब रास्ता साफ है? कुछ साफ नहीं है नूरी, बात को समझो। केस की छानबीन अब नया ऑफिसर कर रहा है, हम थोड़े दिन और चुप रहे तो हम पे शक नहीं करेगा। हम पर कोई शक नहीं कर रहा है फारूक, और थोड़े दिनों में मेरा पेट दिखने लगेगा, समझा करो। समझता हूँ मेरी जान, बस बहुत जल्द कुछ करेंगे। मेरी जान फिर से कहना। हजार बार मेरी जान। अगर इन दोनों को लगता है कि इनकी लव स्टोरी का ताजमहल 5 कब्रों पर खड़ा होगा तो ये बहुत ही गलत सोच रहे हैं। सर, फोन रिकॉर्ड्स में एक अननोन नंबर है जिससे कत्ल की रात फारूक की लंबी लंबी बातें हुई। एक बात तो पक्की है, ये नंबर नूरी के पास होगा। जब से उसके माँ बाप ने उसका फोन जब्त किया होगा तब से वो इस नंबर का इस्तेमाल कर रही होगी। दोनों बेरहम होने के साथ साथ बेवकूफ़ भी। पहले तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, फिर खुद ही अपनी कब्र भी खोद ली। अरे अब मैं कितनी बार आप लोगों को बोल चुका हूँ मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, और खुदा के वास्ते। साहब आप लोग बार बार मेरे ही जान के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? 5 जाने गई हैं फारूक। अरे लेकिन मर्डर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता तो मैं आप लोगों को क्या बताऊं? हमें पता है ना, हम तुझे बताते। लेके चलो। सर आप हजार बार पूछेंगे मेरा एक ही जवाब होगा, उस रात में वहां नहीं था, यही सच है। एक ही झूठ बार बार बोलने से अगर सच हो जाता तो मुर्दे जिंदा हो जाते फारूक। हम जानते हैं कि नूरी मां बनने वाली, और ये भी जानते हैं कि तुम उसके बच्चे के पाप हो। नूरी का फोन उसके माँ बाप ने जब्त कर लिया था, लेकिन फिर भी वो लगातार फोन पे बातें करती थी। कैसे? क्योंकि तुमने उसे दूसरा फोन दिया था उस रात। कत्ल से पहले और कत्ल के बाद तुम्हारे फोन से नूरी वाले फोन पे लंबी लंबी बातें हुई थी। नहीं साहब। सबूत है हमारे पास, हमें पता है कि उस रात तुम लगातार नूरी के टच में थे। शायद तुम चेक कर रहे थे कि नूरी ने अपने घर वालों को नींद की गोलियां खिलाई या नहीं खिलाई, वो सब लोग बेहोश हुए या नहीं हुए, और तुम्हें वहां कब पहुंचना है। क्या कह रहे हैं साहब आप? उसके बाद तुमने अपना फोन स्विच ऑफ किया और तुम पहुंचे इस्माइल शेख के घर। वहां तुमने और नूरी ने मिलकर 5 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। घर पहुंचकर तुमने फिर से नूरी को फोन किया और उसे कहा कि अब समय सही है, चिल्लाओ, करो जी भर कर नाटक और गिराओ अपनी इस घिनौनी हरकत पर पर्दा। ये झूठ है सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सबूत है हमारे पास, ठोस सबूत, फोन रिकॉर्ड्स, नूरी के खुफिया फोन रिकॉर्ड्स। इस फोन की लोकेशन के मुताबिक कत्ल के वक्त ये फोन नूरी के घर पर ही था। अब तुम्हारे नाटक पर से पर्दा उठ चुका है। बोलो, वो नींद की गोलियां तुमने कहां से खरीदी? जाहिर है कोई भी मेडिकल स्टोर वाला यहां पर बिना डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के वो गोलियां नहीं देगा। इस दवाई के लिए डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन चाहिए, असली डॉक्टर की असली पर्ची। तुम्हें भी वही लगा जो हर मुजरिम को लगता है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, बच जाएगा, लेकिन कोई नहीं बचता और तुम भी नहीं बचोगे। हाँ, इस पूरे मामले में नूरी अपने आप को निर्दोष साबित कर रही है। वो बड़ी चालाकी से हमदर्दी बटोर रही है, वो अपने आप को पीड़ित साबित करके अबला नारी बन रही है। अब इस पूरे मामले में फंसोगे तुम। अगर तुमने हमें नहीं बताया कि तुमने ये खून कैसे किया और वो हथियार कहाँ से लाए, जल्दी बोलो। अगर नहीं बोलोगे तो बुलवाना हमें आता है।
और तुम्हारी तरह बेहोश करने के लिए हमें नींद की गोलियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। रुखसाना, आप लोग मुझ पर रहम क्यों नहीं कर रहे? मेरे बार बार देखिए, हम आपके साथ बड़े सलीके से पेश आ रहे हैं। हमारे कुछ सवाल हैं जिनका जवाब आपको देना है, तो प्लीज। मैं आप लोगों की बातों को अच्छी तरीके से समझ रही हूँ इंस्पेक्टर, बड़ी अच्छी तरीके से समझ रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों की बातों में नहीं आने वाली। आपने अपने माँ बाप को चाय में नींद की गोलियां खिलाकर बेहोश किया, भैया भाभी को भी बेहोश किया, लेकिन 8 साल के भतीजे को नींद की गोलियां नहीं खिलाई। क्यों? क्योंकि आप जानती थी वो कमजोर है, आपसे स्ट्रगल नहीं कर पाएगा, ऐसे ही आसानी से मर जाएगा, है ना? बकवास है ये सब। दरअसल आप लोग असली कातिल को पकड़ नहीं पा रहे ना, इसीलिए आप मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। बेहतर होगा आप असली कातिल को ढूंढें। असली कातिल हमारी नजरों के सामने बैठा है, फारूक ने हमें सब कुछ बता दिया। वो हमें उस जगह लेके जाने को तैयार है जहां पर उसने वो हथियार छुपाया है जिससे आपने वो सारे कत्ल किए। फारूक ने वो तलवार अपने घर के पास वाले तालाब में फेंकी थी, ये बात तो आपको पता ही होगी। नहीं, मैं नहीं मानती है सर, मुझे फारूक से मिलना है, बात करनी है उससे अभी के अभी। ये पुलिस क्या कह रही है फारूक? पुलिस अब सब जान चुके। तुमने उन्हें सब बता दिया? मेरे पास इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था नूरी। फारूक, हमने कसम खाई थी ना, हमने कसम खाई थी ना कि हम नहीं टूटेंगे। नूरी, मैंने कहा ना, पुलिस को सब कुछ पहले से ही पता था, यहाँ तक कि उस फोन के बारे में भी जो मैंने तुमको दिया था। तुमने उन्हें ये क्यों बताया कि ये सब हम दोनों ने मिलकर किया है? तो फिर क्या करता नूरी, सारा इल्जाम अकेले मेरे सर पे आ रहा था, दोषी सिर्फ मैं बन रहा था। अच्छा, तो अपने आप को बचाने के लिए तुमने मुझे आगे कर दिया? हाँ, फारूक, तुमने एक बार भी सोचा नहीं कि तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में पल रहा है? मैंने तुमको कहा था नूरी कि भाग चलते, ये सब नहीं करते, लेकिन तुम नहीं मानी थी। देखो देखो फारूक, तुम जाके पुलिस को बताओ कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है और ये सब सिर्फ तुमने अकेले ने किया। क्यों नूरी, खून करने को तुमने कहा था, मैंने तो इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था, और अब तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। मैं हमारे बच्चे के बारे में सोच रही हूँ, उसे मेरी जरूरत है। और मेरी? उसे बाप की जरूरत नहीं है? नूरी, एक बात याद रखना, तुम बच्चे के बहाने से मुझे आगे नहीं कर सकती हो। खून करने का आइडिया तुम्हारा था, सारी प्लानिंग तुम्हारी थी, तो सजा अकेला मैं नहीं भुगतूंगा, याद रखना। अपने बच्चे के लिए भी नहीं? नूरी, मैंने तुमको पहले से कहा था, गिरा देते हैं इस बच्चे को और भाग चलते हैं, एक नई जिंदगी शुरू करते हैं, लेकिन तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं थी। तो इसीलिए अब तुम इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो? क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं फंस गया हूँ नूरी। मोहब्बत के नाम पर एक खौफनाक साजिश रची गई। मोहब्बत के नाम पर 5 बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसमें एक 8 साल का मासूम बच्चा भी शामिल था। मोहब्बत के नाम पर उस काली रात को लाल रंग से रंग दिया गया। नूरी और फारूक ने मिलकर मोहब्बत और इंसानियत दोनों का कत्ल कर दिया। सब लोग सो गए फारूक, तुम आ सकते हो।
तुम्हारे कपड़े और ये तलवार, ये कहीं छुपा देना। और तुम्हारे कपड़े? वो मैं घर में कहीं छुपा दूंगी। और बाकी के बच्ची गोलियां भी छुपा देना। हाँ, कपड़े और तलवार छुपाने के बाद फिर मुझे फोन करना। तो तुम इल्जाम अपने सर पर नहीं लोगे। अब तक सारे फैसले तुमने किए थे नूरी, मैंने सिर्फ अंजाम दिया था। और मैं ये कह रहा हूं कि सारे इल्जाम तुम अकेले अपने सर पे ले लो। बस जो कुछ भी किया हमने साथ में किया था। लेकिन बर्बाद सिर्फ तुमने अकेले ने किया है। जो भी हो नूरी, मैं अकेले नहीं भुगतूंगा। ठीक है, तो फिर मेरे पूरे परिवार का खून तुमने किया है, यही सच्चाई है। और अब यही सच्चाई सबके सामने आएगी। योराना, चार्जशीट और सारे के सारे सबूत जो पुलिस ने इकट्ठा किए हैं, प्रोसिक्यूशन उन सभी को आपके सामने पेश कर रहा है। और साथ ही साथ आरोपी नूरी शेख और फारूक अंसारी के खिलाफ प्रोसिक्यूशन आईपीसी 302 एंड कॉमन इंटेंशन आईपीसी 34 के तहत चार्जेस की मांग करता है। क्या दोनों आरोपी लगाए गए आरोपों को कबूल करते हैं? योरानर, मेरी क्लाइंट नूरी शेख नॉट गिल्टी प्लीड करती है। सर, मेरा क्लाइंट फारूक अंसारी आरोपों से इनकार करता है। इस केस की सुनवाई आज से 2 हफ्तों बाद शुरू होगी और शुरुआत हम प्रोसिक्यूशन की दलीलों से करेंगे। नूरी और फारूक ने काफी झूठ बोलने के बाद आखिरकार पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया था, लेकिन अदालत के सामने इस जोड़े का जुर्म साबित होना अभी बाकी था। केस अब ट्रायल पर आ गया था। नूरी और फारूक की प्रेम कहानी के पन्ने अब बिखरने लगे थे। योर ऑनर, ये केस कोल्ड ब्लडेड मल्टीपल मर्डर्स का है, जिसे नूरी शेख और फारूक अंसारी ने बहुत ही निर्दयता से अंजाम दिया। मैं अदालत के सामने एक और बात रखना चाहता हूं कि फारूक अंसारी और नूरी शेख एक दूसरे से प्यार करने का दावा करते हैं। नूरी इज प्रेग्नेंट विद फारूक्स चाइल्ड, इनके पेट में फारूक अंसारी का बच्चा है, लेकिन नूरी के परिवार ने इस रिश्ते को कभी भी रजामंदी नहीं दी। बस यही वजह बन गई योर ऑनर कि नूरी शेख और फारूक अंसारी ने मिलकर नूरी के परिवार के लोगों को मारने का एक घिनौना षड्यंत्र रच डाला। और इसीलिए नूरी और फारूक ने मिलकर सबसे पहले नूरी के परिवार की चाय में नींद की गोलियां मिला के उन्हें बेहोश किया, ताकि बाद में आसानी से उनकी हत्या कर सके। और इसी संदर्भ में नूरी शेख ने अपने एक कलीग से बात भी की थी। योर ऑनर, नूरी शेख अपने कलीग से यह जानना चाहती थी कि किसी भी इंसान को बेहोश कैसे करते हैं। इसीलिए मेरी सबसे पहली विटनेस है नूरी शेख की कलीग ज्योति अस्थाना। योर ऑनर, मेरा दूसरा गवाह है मेडिकल स्टोर का मालिक संजय नाथ। योर ऑनर, संजय नाथ ने फारूक अंसारी को बिना प्रिस्क्रिप्शन के नींद की गोलियां बेचने से मना कर दिया था। योर ऑनर, मेरा तीसरा गवाह है एक ऑमलेट लारी वाला आरिफ। इसी आरिफ ने फारूक अंसारी के कहने पर नींद की गोलियों का बंदोबस्त किया था। योर ऑनर, नूरी शेख ने खुद अपने परिवार के लोगों की चाय में नींद की गोलियां मिला के उन्हें बेहोश किया, और जब सब लोग बेहोश हो गए तब इन्होंने चुपचाप घर का दरवाजा खोला ताकि फारूक अंसारी बहुत ही आसानी से घर में दाखिल हो सके। और एक बार फारूक अंसारी घर में दाखिल हो गए, फिर नूरी शेख और फारूक अंसारी ने मिलकर इन पांचों हत्याओं को अंजाम दे दिया। योर ऑनर, एग्जिबिट सी और एग्जिबिट डी इन्वेस्टिगेटिंग टीम को नूरी के घर से बरामद हुए, जिन्हें नूरी शेख ने बहुत ही सफाई से छुपा के रखा था। इस बात का खुलासा नूरी शेख खुद कर चुकी हैं। योर ऑनर, ये रिकवरी पंच के सामने हुई थी और उस समय वहां गवाह भी मौजूद थे, सोहेल मिर्जा और आसिफ अली, जो कि नूरी शेख के पड़ोसी हैं।
योर ऑनर, पुलिस ने फारूक अंसारी के घर से उनके खून से सने कपड़े बरामद किए। योर ऑनर, जिस तलवार से ये सारे कत्ल हुए वो तलवार फारूक के घर के पास एक तालाब में मिली, जहां कत्ल के बाद उसे फेंक दिया गया था। योर ऑनर, ये हैं नूरी शेख और फारूक अंसारी के कॉल रिकॉर्ड्स। नूरी जिस फोन का इस्तेमाल कर रही थी वो सेल नंबर और इंस्ट्रूमेंट दोनों उन्हें फारूक अंसारी ने लाके दिए थे। मर्डर से पहले और मर्डर के बाद इन फोन्स में बराबर बातचीत होती रही और यही कॉल रिकॉर्ड्स हम अदालत में सबूत के तौर पर पेश कर रहे हैं। एज यू कैन सी योर ऑनर, ये केस विदाउट एनी डाउट इस बात को साबित कर देता है कि नूरी शेख और फारूक अंसारी ने एक घिनौने षड्यंत्र की रचना करके नूरी के परिवार के पांच लोगों की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी। इसलिए योर ऑनर, एज अ प्रोसिक्यूटर मेरी अदालत से अपील है कि इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। ये ना ही सिर्फ अदालत के बल्कि इंसानियत के भी गुनहगार हैं। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट नूरी शेख निर्दोष है। चूंकि इस अटैक में वो बच गई, पुलिस लगातार उसके खिलाफ जाली सबूत पेश करके उसे इस केस में फंसाने की कोशिश कर रही है। योर ऑनर, पुलिस की चार्जशीट सिर्फ एक कबूलनामे पर आधारित है जो वो दावा करती है कि नूरी शेख का है। मेरी क्लाइंट उसे नाकारती है। और हाँ, ये खून से सने कपड़े मेरे क्लाइंट के ही है, पर इन पर ये खून के निशान तब लगे हैं जब नूरी ने अपने घर वालों की लाशों को गले से लगाया था। योर ऑनर, कोई भी नॉर्मल इंसान इन हालातों में ऐसे ही करता। सर, वो छत पर मच्छर बहुत काट रहे थे, इसलिए मैं नीचे आई। जब मैं नीचे आई तो मैंने देखा कि मेरे अम्मी अब्बू के कमरे का दरवाजा खुला था। मुझे लगा शायद वो दरवाजा लगाना भूल गए, इसलिए मैं दरवाजा लगाने कमरे की तरफ गई। मैंने देखा कि मेरे अम्मी अब्बू की लाश वहां पे खून में लथपथ पड़ी थी, और वो देखकर मैं ठंडी पड़ गई। मैं उनकी तरफ भागी। अबू, अबू, अम्मी, 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 बचाओ! खुदा के लिए कोई बचाओ! अबू, अम्मी, बचाओ कोई, बचाओ! Your Honor, ये है सच। जो पुलिस की चार्जशीट में है वो सरासर गलत है। अब बात रही नींद की गोलियों की, नूरी ये बताइए कि आपके घर का कोई भी सदस्य नींद की गोलियां लिया करता था दवाई के तौर पे? मुझे नहीं पता। मान लो ले भी रहा होता तो क्या तुम्हें पता होता? नहीं। योर ऑनर, मैं जानना चाहता हूं कि प्रोसिक्यूशन किस बेस पे ये इल्जाम लगा रही है कि नूरी ने ही शेख परिवार को चाय में नींद की गोलियां मिलाकर बेहोश कर दिया। योर ऑनर, यह भी हो सकता है कि इनके घर वाले नींद की गोलियां यूज करते हो और इन्हें पता तक ना हो। पुलिस के चार्जेस पूरी तरह से बेसलेस है सर। थैंक यू। नूरी शेख, आपके बयान के मुताबिक आप छत पे थी, आपने वहां से अपने मां बाप की लाश को देखा और आप उनकी तरफ बढ़ी, राइट? जी। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, और तुमने अपने मां बाप की लाश को कुछ ऐसा पाया। जी। योर ऑनर, ये सारी की सारी तस्वीरें कत्ल की रात ही ली गई थी, जब नूरी शेख के पड़ोसी सोहेल मिर्जा और आसिफ अली पुलिस के साथ इनके घर में दाखिल हुए तब नूरी शेख बेहोश थी। हाँ,
मैं तुम्हें एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यह तस्वीर भी मौका वारदात पे ही ली गई है। मिस नूरी शेख, इस तस्वीर को गौर से देखिए और अदालत को यह बताइए कि आपने खून से सने हुए कपड़े कब बदले। बेहोश होने से पहले या फिर होश में लाए जाने के बाद? योर ऑनर, नूरी शेख के पास मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जो कपड़े इन्होंने इस तस्वीर में पहने हैं और जो खून से सने हुए कपड़े अदालत में पेश किए गए हैं वो एकदम अलग है। इससे यह साबित हो जाता है योर ऑनर कि नूरी शेख अदालत को झूठ के जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। क्राइम सीन पे किया गया पंचनामा, क्राइम सीन पे ली गई तस्वीरें, सारे सबूत, सारे गवाह एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं योर ऑनर कि नूरी शेख अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रही है और झूठ बोल रही है। क्योंकि अब तक हमने अदालत में जितने भी गवाह पेश किए हैं योर ऑनर, उनके पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं। सर, पुलिस ने मेरे क्लाइंट फारूक अंसारी को टॉर्चर किया है। जाहिर सी बात है, फारूक का दिया गया बयान एक दबाव में दिया गया बयान है, और जो तलवार पुलिस दावा कर रही है फारूक से बरामद की है वो दरअसल उन्होंने खुद प्लांट की है। क्या साहब? तलवार कहाँ है? तालाब में है साहब। तलवार कहाँ है? तलवार कहाँ है फारूक? तुम्हें पता है ना तलवार कहाँ? तुम्हें याद है तुमने मुझे बताया था तलवार कहाँ? तलवार इस तालाब में है साहब। एक दिन पहले पुलिस ने वो तलवार उस तालाब में फेंकी और अगले दिन जबरदस्ती मेरे क्लाइंट फारूक को लेकर वहां पहुंच गए और कहा पॉइंट आउट करो कहां छुपाई है। फारूक का इस मर्डर से कोई कनेक्शन नहीं है। नूरी, सच कहूं तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है यह साबित करना कि यह पांचों मर्डर तुम दोनों के अलावा तीसरे किसी आदमी ने किए है। पर हम ये तो साबित कर सकते हैं ना कि मैं बेगुनाह हूं। सीधी बात बोलूंगा फारूक, दोनों में से एक बचेगा, या तुमने किया या उसने। इस कहानी की शुरुआत शायद इन्फैटुएशन, एक प्यार नुमा जुनून के साथ हुई थी, पर मौजूदा मकाम पर इस कहानी में प्यार का साया भी नजर नहीं आ रहा था। अब बस अपनी जान बचाने की बात बनकर रह गई थी। सर, पुलिस कह रही है कि उसने मेरे क्लाइंट फारूक अंसारी से मर्डर वेपन बरामद किया, जो वो कह रही है कि एक तलवार था। सर, इससे साफ साबित होता है कि मेरा क्लाइंट इनोसेंट है, क्योंकि मर्डर वेपन तलवार नहीं छुरा था। मिस्टर बेग, आप चार्जशीट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। आपके पास कोई ठोस सबूत है इस बात का? सामने शुरू से इस प्लान के खिलाफ था, एकदम खिलाफ था, मगर मेरे दिल और दिमाग पे नूरी की पकड़ थी। वो जो कहती थी मैं करता था, वो जो मांगती थी मिला के देता था। फिर उसने मुझसे नींद की गोलियां मांगी, पर साहब मुझे सच में नहीं पता कि उसने गोलियां क्यों मंगाई थी। और हाँ साहब, उस रात नूरी ने मुझे फ़ोन किए थे, पर वो सारे फ़ोन खून करने के बाद किए थे। नूरी ने जब तक दरवाज़ा नहीं खोला मैं बाहर चुपचाप इंतजार करता रहा। क्या हुआ नूरी? अब हमारे बीच में कोई नहीं आएगा फारूक। तुमने क्या किया नूरी?
ये लो चाकू, इसे कहीं छुपा दो। नूरी तुम मुझे पहले बताओ तुमने किया क्या? अब हम आजाद हो गए फारूक, मैंने सबको मार दिया। सारे खून नूरी ने किए थे, मैंने तो बस प्यार किया था सर, और उसी की सजा मिल रही है मुझे। अच्छी कहानी है सर, लेकिन इस केस में छुरा कभी भी इन्वॉल्व नहीं था। मर्डर वेपन तो तलवार है जो कि पुलिस ने बरामद की है, जिसे फारूक लेकर आया था। योर ऑनर, इस सारे षड्यंत्र में फारूक ने नूरी के प्यार का फायदा उठाया, उसे झूठ बोला, उसे अंधेरे में रखा। फारूक ने उसे नींद की गोलियां दिलवाई, उसे चाय में मिलाने पर मजबूर कर दिया। इसने उसे झूठ बोला था कि वे भागने वाले हैं, और इसीलिए नूरी ने फारूक को कॉल किया था। सर मैं अपनी फैमिली को क्यों खत्म करूंगी सर? मैं मानती हूं मैं प्यार में अंधी हो गई थी, फारूक पर भरोसा करने लगी थी, वो जो कहता था मैं सब मानती थी। उसने कहा था कि उनके सो जाने के बाद फोन करना। फारूक सब सो गए? हाँ फारूक, ये क्या है फारूक? हमारे पास एक होने का यही एक रास्ता है नूरी, तुम ऐसा नहीं कर सकती, मेरी अम्मी अब्बू है फारूक। तुम मुझसे प्यार करती हो ना? हमारे होने वाले बच्चे से प्यार करती हो ना? मैं जज्बातों में बह गई सर, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका इरादा मजबूत था और मैं कुछ नहीं कर पाई। कमरे में भी नहीं थी सर, पांचों का खून फारूक ने किया, सिर्फ फारूक ने। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट की एक गलती है, एक ऐसे आदमी के साथ प्यार करना जिसके लिए किसी का खून करना मानो कि आम बात है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिन्हें वो मौत के घाट उतार रहा है वो उसके होने वाली बीवी का परिवार है, उसके अपने करीबी लोग हैं। सर ये पांचों के पांचों मर्डर सिर्फ फारूक के कारण हुए और उसी ने किए हैं। योर ऑनर, नूरी उतनी ही मासूम है जितने की उसके अंदर पल रही नन्ही सी जान। बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल है, मैं तुम्हारे लिए कुछ विटामिन्स प्रिस्क्राइब कर रही हूँ, वो ले लेना। नूरी शेख, तुम कबूल करती हो ना कि तुम ही ने अपने माँ बाप भाई भाभी इन सभी की चाय में नींद की गोलियां मिला के उन्हें दे दी? हाँ। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, इस केस के शुरुआत में आरोपी के डिफेंस ने कहा था कि हो सकता है परिवार के किसी भी सदस्य ने चाय में नींद की गोलियां मिला दी, लेकिन अभी अभी अदालत के सामने नूरी शेख ने कबूल किया है कि चाय में नींद की गोलियां इन्होंने ही मिलाई थी। अच्छा नूरी, इस पूरे हत्याकांड में जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया वो तलवार ही था? हाँ। वो यही तलवार थी ना? जी हाँ। और तुम्हारे बयान के मुताबिक ये सारे के सारे कत्ल जो हैं ये फारूक ने ही किए हैं? जी हाँ, सिर्फ फारूक ने किए। नूरी इन कपड़ों को गौर से देखो, तुम्हें यकीन है ना कि कत्ल की रात तुमने यही कपड़े पहने थे?
जी योर ऑनर, ये पॉइंट भी नोट किया जाए, आरोपी के डिफेंस ने हमारे सामने एक थ्योरी रखी थी कि नूरी छत से नीचे उतरी, उन्होंने अपने माँ बाप को खून में लथपथ देखा और वो उनकी तरफ दौड़ पड़ी। लेकिन ये थ्योरी अभी गलत साबित होती है योर ऑनर, क्योंकि नूरी ने खुद कबूल किया है कि इन्होंने खुद घर का दरवाजा खोला ताकि फारूक अंसारी घर के अंदर दाखिल हो सके। फारूक अंसारी, तुम्हारे हिसाब से इस हत्याकांड में तलवार का नहीं एक छुरे का इस्तेमाल हुआ था। नूरी ने अपने पूरे परिवार को छुरे से मार दिया और छुरा तुम्हारे हवाले कर दिया। ये लो चाकू, इसे कहीं छुपा दो। जी अच्छा फारूक, तुम ये तो मानते हो ना कि तुम्ही ने नूरी के लिए नींद की गोलियों का बंदोबस्त किया था, और तुम अच्छी तरह जानते थे कि नूरी अपने परिवार को चाय में नींद की गोलियां मिला के देने वाली है। जी और तुमने ये भी कहा है कि नूरी हर हाल में अपने परिवार को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, तुम्हारे मना करने के बावजूद। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की थी सर, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। अच्छा फारूक, इन कपड़ों को गौर से देखो। कत्ल की रात जब नूरी ने तुम्हारे लिए घर का दरवाजा खोला तब उसने यही कपड़े पहने थे ना, गौर से देखो। मैंने जी। लेकिन तुम घर के अंदर दाखिल नहीं हुए और तुमने कोई भी मर्डर होते हुए नहीं देखा। नहीं सर, मैं घर के बाहर ही खड़ा था, नूरी ने मुझे बताया कि उसने सबको मार दिया। अच्छा अच्छा, नूरी ने तुम्हें बताया कि उसने अपने घर वालों को मार दिया है। फारूक एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, जब तुम घर में दाखिल ही नहीं हुए, तुमने ये सारी हत्याएं होते हुए देखी ही नहीं, फिर तुम्हारे कपड़ों पे खून के धब्बे कहां से आए? ऑब्जेक्शन सर, हम पहले ही कह चुके हैं ये सबूत फर्जी हैं, पुलिस ने प्लांट किए हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। योर ऑनर, फोरेंसिक डिपार्टमेंट इन कपड़ों को एनालाइज कर चुका है, इन कपड़ों पे सूखे खून के निशान मिले हैं, और जब ये कपड़े फारूक के घर से बरामद हुए तब वहां पे गवाह भी मौजूद थे, फारूक की माँ बाप भाई उन सब की मौजूदगी में ये कपड़े बरामद हुए। योर ऑनर, विटनेसेस से दस्तखत जबरदस्ती करवाए हैं। योर ऑनर, इस हत्याकांड में जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया वो कोई छुरा नहीं था, वो तलवार ही थी। पुलिस क्यों एक दिन पहले जाके तालाब में तलवार को छुपा देगी और बाद में इसे फंसाएगी? योर ऑनर, मैं आपको बताता हूं कि आखिर हुआ क्या है इस केस में। दोनों आरोपी और उनके काबिल डिफेंस काउंसिल ने अदालत को गुमराह करने के लिए एक दूसरे पे आरोप थोपने की कोशिश की। एक के बाद एक अदालत में मनगढ़ंत कहानियां सुनाई गई। ये कहते हैं कि हत्याएं छुरे से की हैं, वो कहते हैं कि सारी हत्याएं तलवार से हुई हैं। योर ऑनर, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने जितने भी सबूत, जितने भी गवाह अदालत के सामने पेश किए वो सब ठोस थे, जिनसे ये साबित होता है कि इन हत्याओं के पीछे इन दोनों का हाथ था। योर ऑनर, हुआ क्या, इन दोनों को पकड़े जाने का डर लग गया, इसीलिए इन दोनों ने अपने आप को बचाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। एज ए प्रोसिक्यूटर, मेरी अदालत से यह अपील है, दरख्वास्त है कि इस केस में इन दो आरोपियों के साथ कोई नरमी ना बरती जाए योर ऑनर, और इन दोनों आरोपियों को सजाए मौत दी जाए योर ऑनर। लड़का हुआ है बेटा, इतना बड़ा गुनाह करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा अगर बच भी निकलता तो क्या जिंदगी से आके मिला पाता। कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों की दलीलों को सुना। इस केस में नूरी शेख और फारूक अंसारी पर जितने भी आरोप लगाए गए हैं सारे आरोपों के ठोस सबूत मौजूद हैं, जिनमें मर्डर की प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक और उसके बाद पुलिस को गुमराह करने की कोशिशों में दोनों बराबर के भागीदार हैं। मर्डर्स के दौरान इन दोनों के दिलों में कोई रहम की भावना या झिझक नहीं थी। हाँ, ये भी सच है कि नूरी के परिवार वाले इन दोनों के रिश्तों के खिलाफ थे, लेकिन इस पूरे मुकदमे के दौरान
ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि नूरी के परिवार वालों से इन दोनों की जानों को कोई खतरा है। इसके बावजूद दोनों ने इन सारी हत्याओं का षड्यंत्र रचा। लिहाजा ये कोर्ट आरोपी नूरी इस्माइल शेख और आरोपी फारूक अब्दुल अंसारी को इस्माइल शेख, जाहिदा शेख, माजिद शेख, शाजिया शेख और 8 वर्षीय शाकिर शेख के मर्डर के केस में दोषी पाती है और दोनों को सजाए मौत सुनाती है। मरना नहीं है, मेरा छोटा बच्चा है, अदालत उसके साथ ना इंसाफी नहीं कर सकती। अब कुछ करिए नूरी, हम हायर कोर्ट में अपील करेंगे। कुछ भी करिए लेकिन मुझे और मेरे बच्चे को यहाँ से निकालिए प्लीज। हम सजा थोड़ी कम करने की अपील कर सकते हैं। फांसी से कम क्या सजा हो सकती? उम्र कैद, पूरी जिंदगी मुझे जेल में ही बंद रहना होगा। ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे हम थोड़ी सी छूट की मांग करेंगे। क्या इन सबसे बाहर निकलने का और कोई उपाय नहीं है? ज्यादा उम्मीद मत रखना, तुम्हारे खिलाफ केस बहुत तगड़ा है। नूरी शेख और फारूक अंसारी दोनों इस जुर्म के वक्त मैच्योर एडल्ट्स थे। ये मानना कि इनकी रिलेशनशिप को नूरी शेख के पेरेंट्स से खतरा था वो भी बेबुनियाद है। दोनों के लव अफेयर को लेकर गुस्सा होने के अलावा ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं मिलती इस परिवार में जो साबित करे कि नूरी का पिता या उसका भाई नूरी पर कभी हिंसक हुए। डिफेंस ने अपील की है कि नूरी की तरफ इसलिए लीनियंसी दिखाई जाए क्योंकि उसका बच्चा यतीम हो जाएगा, लेकिन नूरी कोई पहली मुजरिम नहीं है। बहुत से आरोपियों के बच्चे होते हैं, बूढ़े पेरेंट्स होते हैं जो उन पर डिपेंडेंट होते हैं, पर कानून इतने संगीन जुर्म में लीनियंसी नहीं दिखा सकता। यह अदालत सेशन कोर्ट के फैसले को अपहोल्ड करती है और मुजरिम नूरी शेख और फारूक अंसारी को सजाए मौत सुनाती है। देश के सबसे बड़े न्यायालय में इस केस की दोबारा अपील हो सकती है। अक्सर इंसान अपने किए का असली चेहरा तब तक नहीं देख पाता जब तक जज्बात के काले बादल नहीं हटते। इस जोड़े ने यह भयंकर खूंखार षड्यंत्र प्यार के नाम पर रचा, लेकिन इस जुर्म को अंजाम देने से पहले उन्हें अपने प्यार में क्यों खोट नजर नहीं आई? आए दिन हम देखते और सुनते हैं कि इज्जत के नाम पर माँ बाप ने बच्चों की हत्या की ऑनर किलिंग के रूप में, तो कहीं और नूरी और फारूक जैसे दूसरे जोड़ों ने दोस्तों की, रिश्तेदारों की, अजनबियों की हत्या की ताकि उनका प्यार आगे बढ़ सके, महफूज रह सके। ऐसे गुमराह सरफिरे प्रेमियों से हमारे कुछ सवाल हैं। जरा सोचिए, चिकने गाढ़े खून से सने हाथ कब तक एक दूसरे से बंधे रहेंगे? बेरहम आंखें एक दूसरे में कब तक खोई रहेंगी? वो कौन सा आशियाना होगा तुम्हारा जहां तुम अपने प्यार की निशानियों को उन भेड़ियों से बचाए रखोगे जो कि तुम खुद हो? आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ रात 9 बजे। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।